हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा जिसमें लाइक और डिसलाइक बटन गायब होता है, तो वो कैसे गायब होता है अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप बिल्कुल आसान तरीके से सिर्फ एक मिनट के अंदर अपना लाइक और डिसलाइक बटन हटा सकते हो और साथ में कमेंट को भी हटा सकते हो, कि आप कमेंट भी हाइड कर सकते हो कि कोई लोग आपके वीडियो में कमेंट ना कर पाए। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में कमेंट कर देना बाद में कि आपको वीडियो कैसा लगा आपने, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में बेल आइकन जो आएगा उसको प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि यूट्यूब के रिलेटिव हमारी वीडियो सारी होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले आपने जाना है गूगल क्रोम के अंदर और इसको कर लेना है डेस्कटॉप साइट पे, ठीक है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके फिर आपने ओपन कर देना है यूट्यूब। जैसे आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा तो उसके बाद जैसे आप साइड में कॉर्नर पे आप देखोगे आपके चैनल का लोगो होगा, ठीक है, आपने उसके ऊपर ओके कर देना है, ठीक है। तो आपने इसके बाद जाना है यूट्यूब स्टूडियो पे। जैसे दूसरा पेज खुल चुका है, ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, इस पे वीडियो वाला ऑप्शन है आपने उसके ऊपर ओके कर देना है, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ पे वीडियो आ चुके, ठीक है, जो आपने वीडियो अपलोड किया हुआ है आप अपलोड के टाइम पे भी ये कर सकते हो और अपलोड के बाद में भी, ठीक है। तो मैं आपको अपलोड के बाद का टाइम दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको कर दिया यूट्यूब से आप करते हो अपलोड तो आपको ऐसा नहीं आएगा, अगर आप क्रोम के अंदर अपलोड करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो मैं आपको क्रोम के अंदर का बता देता हूँ। तो इसमें आपने क्या करना है, नीचे देखोगे, जैसे देखो टाइटल डिस्क्रिप्शन ये थंबनेल वगैरह लगा के है ना, इस पर ओके कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आपने करना है सी मोर पे, ठीक है। एक और नीचे पेज खुल चुका है, नीचे आप टैग वगैरह जो आप लगाना चाहो लगा लेना, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में आप एक चीज़ देखोगे कि कमेंट का दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कमेंट एंड रेटिंग का। अब इसमें देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे कि कमेंट विजिबिलिटी, ठीक है, और इसके नीचे शो मैनी व्यू लाइक डिसलाइक, आपने इस पर कर देना, इस पर टिक लगाओ, इसको आपने कर देना अनटिक, ठीक है। और यहाँ से डिसलाइक और लाइक वाला बटन गायब हो गया, ठीक है, आप किसी को दिखेगा नहीं। और यहाँ पे आपने करना कमेंट वाले पे, इसमें कर देना आपने लास्ट पे है जो कमेंट डिसेबल, मतलब डिसेबल कमेंट वाले पे आपने ओके कर देना, आप कमेंट भी आपके हाइड हो जाएंगे, ठीक है, कोई कमेंट नहीं कर पाएगा आपको। और इसके बाद जैसे आपको सीधा ऊपर जाना है, ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे विजिबिलिटी में आपको अनलिस्टेड है, ठीक है, तो इसको अनलिस्टेड से हटाना है यहाँ से हमको। अब इसको कर देना है पब्लिक और फिर बाद में दबा देना है डन बटन, ठीक है। अब ये हो चुका है और इसके बाद आपको कर देना है सेव। तो ऐसा करने से आपका देखो क्या होगा कि सारा कुछ लग चुका है, आपका जो लाइक डिसलाइक बटन वो भी गायब हो चुका है और आपका जो कमेंट है वो भी डिसेबल हो चुका है, ठीक है। और जैसे अगर कोई व्यूवर वीडियो देखता है उसको ये नहीं पता लगेगा कि लाइक कितने हैं और डिसलाइक कितने हैं और साथ में कमेंट भी वो नहीं कर पाएगा। तो गाइस ये था सिंपल सा तरीका अपने वीडियो में लाइक और डिसलाइक बटन को हाइड करने का, साथ में कमेंट को भी हाइड करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारी वीडियो होती है वो सब यूट्यूब के रिलेटिव होती है और जो आपको बहुत काम आने वाली है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।